भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के कोटा प्रवास के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाने अभद्रता करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ अभद्रता प्राणघातक हमले का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर सोमवार को भालता भाजपा मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह तंवर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अकलेरा उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह तंवर ने बताया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर कांग्रेस आला कमान के इशारों पर कोटा प्रवास के दौरान किए गए घृणित कार्य की हम निंदा करते हैं। महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया ये कृत्य उसकी नीति व नियत को दिखाता है। कांग्रेस इस प्रकार से अनैतिक कृत्य कर भाजपा के विरोध को दबाना चाहती है। भाजपा का कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में सतीश पुनिया के नेतृत्व में इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार को राजस्थान से भाजपा के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे। नाम रोशन सिंह तंवर, मंडल अध्यक्ष मंडल भालता, तंवर समाज जिला अध्यक्ष। आज ज्ञापन के संदर्भ में दिया गया ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो अत्याचार मचा रखे कांग्रेस के लोगों ने, हम उसका घोर निंदा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, अगर किसी के साथ कुछ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गलत शब्द करेंगे या रास्ता रोकेंगे तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कतई पीछे हटने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आने वाले चुनाव में इनको भी दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं कतई कमजोर नहीं हो सकते। तो ज्ञापन इस दिया गया, हमारे नेता के साथ जो भी मतलब घटना हुई है उसके संबंध में ये विज्ञापन दिया गया है और हम पूरे राजस्थान के अंदर ये विज्ञापन, इनके पुतले सारे मतलब धरना प्रदर्शन सब दिखाएंगे और इस पार्टी को कांग्रेस को जड़ से उबाल के फेंक देंगे। बीजेपी जिंदाबाद, सचिन पुनिया।